प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा व प्रार्थना है कि आप स्वस्थ व प्रसन्न हैं। तो आज हम व्याकरण का पाठ 4 शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय प्रारंभ करते हैं। आज हम केवल उपसर्ग विषय ही पढ़ेंगे। आप इस ऑडियो को ध्यान पूर्वक सुनते हुए कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। आप अपनी व्याकरण पुस्तकें भी साथ में खोल सकते हैं। पाठ 4 शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय पृष्ठ संख्या 24। तो आप अब पुस्तक खोलकर साथ साथ सुनिए और देखिए। आप देखिए पृष्ठ 24 पर शुरू में दो चित्र बनाए गए हैं, उपवन और औजार। तो उसके नीचे लिखा उप प्लस वन उपवन, अ प्लस जार औजार। तो आपने देखा यहाँ पे वन जो मूल शब्द है उसके आगे उप लगाने से नया अर्थ उसका आ गया उपवन। तो उपर्युक्त शब्दों में वन और जार मूल शब्द हैं। इन शब्दों से पहले उप और अ शब्दांश लगाने से नए शब्द उपवन और औजार शब्दों का निर्माण हुआ। तो इसकी परिभाषा उपसर्ग की क्या हुई? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इन उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, जो पहले लगते हैं किसी शब्द के। और इनको उपसर्गों को उपसर्ग या प्रत्ययों को हम शब्द नहीं कहते, शब्दांश कहते हैं। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का अंश, शब्द का हिस्सा। ये अपने आप में शब्द नहीं होते, शब्द का एक पार्ट होते हैं, क्योंकि इनका अपने में कोई अर्थ नहीं है, अकेला इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। ये जब किसी मीनिंगफुल शब्द मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी कुछ अर्थ देते हैं। तो जैसे कि उपवन में उप का कोई अर्थ नहीं है, औजार में औ का कोई अर्थ नहीं है, ये शब्दांश हैं, उप और औ शब्दांश हैं। ये जब वन और जार के साथ जुड़ते हैं तभी कुछ अर्थ देते हैं। तो अब हिंदी में कई प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अविकारी हमने पिछली टर्म में जो प्री मिड टर्म थी उसमें पढ़े थे ना, अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी विकार ना आए, परिवर्तन ना आए, उनको अविकारी या अव्यय कहते हैं। तो जैसे कि और, तथा, ये जो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदलते नहीं हैं। आगे है संस्कृत के उपसर्ग। तो अभी हमने देखा ना ऊपर चार प्रकार के उपसर्ग हैं। तो पहला है संस्कृत के उपसर्ग। ये कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे उन्होंने लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं उपसर्ग, बीच में अर्थ दिए हुए हैं और राइट साइड पे उन्होंने उपसर्ग से बने शब्द लिखे हुए हैं। तो आपको एग्जाम्स में अर्थ नहीं लिखना, उपसर्ग का अर्थ नहीं लिखना, आपको वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आपने जो भी उपसर्ग आपको पेपर में दिया जाए उससे कोई दो शब्द बनाने होते हैं। इसमें तीन तीन चार चार कितने दिए हुए हैं, आपने जस्ट जो भी आपको आसान लगे कोई दो शब्द चुनकर उनको लिखना होता है वहाँ पे एग्जाम्स में। जैसे पहले है अति। अति से उन्होंने शब्द बनाए हैं अत्यंत, अत्यधिक, अतिशय, अत्युत्तम। तो यहाँ पे अति को अत्य में कन्वर्ट किया हुआ है। ये संधि का रूल है जो आप अगले चैप्टर में यहाँ पे आपके सिलेबस में है उसमें हम पढ़ेंगे संधि, तो आपको इसका समझ में आएगा। अभी आप इनमें से इन शब्दों को कोई दो को याद ही कर सकते हैं आप। तो ये आपको वैसे समझा देती हूँ मैं, अत्यंत कैसे बना, अति प्लस अंत। तो अंत के आगे अति जुड़ने से, अति उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ, उसका नया शब्द बना अत्यंत। अंत का मतलब होता है समाप्ति, एंडिंग। तो जब उसके आगे हमने अति लगा दिया तो अत्यंत बन गया। अत्यंत का अर्थ नया हो गया, अब बहुत अधिक, अत्यंत का अर्थ बहुत ज्यादा। ऐसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो अधिक का मतलब फिर ज्यादा होता है। जब अति आगे जुड़ गया तो उसका, उसकी तो फॉर्म चेंज हो गया, अत्यधिक बन गया और उसका अर्थ भी बदल गया। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। तो इसी प्रकार बाकी के शब्दों को भी आपने दो दो को, आपने पेपर में मीनिंग किसी का नहीं लिखना, जस्ट आपको शब्द याद करने, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी अगला जो उपसर्ग है अप। अप से भी आपने, इन्होंने पांच छह कितने सारे शब्द दिए हुए, कोई दो जो आपको आसान लगे याद करने हैं। अपव्यय, अपकार, अपमान, अपशब्द, अपयश, अपशकुन। तो ये सब जैसे अपशब्द ले लो, तो शब्द के, शब्द का मतलब वर्ड, कोई जिसका कुछ अर्थ है, उसके आगे अप लगाने से उसका अर्थ नेगेटिव हो गया। उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या बन गया? अपशब्द मतलब बुरा शब्द। ऐसे अपमान, मान के आगे अप लगाने से उसका ऑपोजिट हो गया। मान मतलब रेस्पेक्ट देना, अपमान इंसल्ट करना। तो अर्थ मतलब उपसर्ग जो है शब्द को नया अर्थ दे देते हैं, जो उसका मूल शब्द का जो अर्थ होता है उसको नया अर्थ दे देते हैं। तो ये इनकी भूमिका होती है। ऐसी अ से, अ उपसर्ग से बने अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार। अन से
अनादर, अनजान, अनावश्यक। अब अनावश्यक की एग्जांपल मैं देती हूँ, अन प्लस आवश्यक, ठीक है। आवश्यक मतलब जो ज़रूरी है ना, और उसके आगे अन लगाने से ऑपोजिट बन गया जो ज़रूरी नहीं है। ऐसी अनादर, आदर के आगे अन लगाने से अनादर बन गया, आदर रिस्पेक्ट, अनादर डिसरिस्पेक्ट। ऐसी अनजान, जो जानते हैं जिसको, वो जान पीछे शब्द था, उसके आगे अन लगाने से अननोन बन गया। तो ये उपसर्ग का रोल है, उपसर्ग इस ढंग से शब्द को नया अर्थ देते हैं। आगे अनु, अनुवाद, अनुरूप, अनुक्रम। अब अव से अवगुण, अवगत, अवनत, अवलोकन, कोई दो शब्द आप याद कर लेना। तो इस तरह से आप बाकी की जितनी भी यहाँ पे सूची दी गई है संस्कृत शब्दों की, इसको भी आपने कोई दो दो शब्द आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अभी आपको हिंदी के उपसर्ग भी बता देती हूँ। पृष्ठ 25 पर उपसर्ग यहाँ पे दिए हैं हिंदी के कौन से होते हैं। संस्कृत थोड़े आपको डिफिकल्ट लगे, हिंदी के बहुत सिंपल होते हैं, हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं इनको। जैसे अन से, अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनपढ़। तो ये अन जो है यहाँ पे हिंदी के शब्दों के साथ जुड़ा, अनकहा, अनदेखा, अनजाना, ये सब आपने शब्द बड़े हम कॉमनली यूज करते हैं। ऐसी अध से, अधपका, अधमरा, अधकचरा, अधखिला। तो ये जो पीछे खिला, कचरा, ये सब मूल शब्द हैं। पका मतलब पका हुआ, मरा मरा हुआ, कचरा आपको समझ में आता है, खिला खिलना। तो जब उसके आगे हमने अध लगा दिया तो उसका मीनिंग बदल गया। अधपका, पका मतलब जो पका हुआ था, अधपका जो आधा पका, अधमरा जो पूरी तरह से नहीं मरा, अधमरा हो गया वो, अधकचरा, ठीक है, ऐसी अधखिला। तो ये आपने यहाँ पे देखा, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। ऐसी उन, 19, 29, 49, 59। तो उन मतलब कम, एक कम हो जाता, एक नंबर कम, एक संख्या कम। जैसे 29 मतलब 30 से कम, 19 मतलब 20 से कम, 29 मतलब 30 से कम, 29 बन गया 29, 49 50। तो 40 50 से कम 49, ऐसे 59 60 से कम 59। तो उनका ये यहाँ पे उन लगाने से मूल शब्द का अर्थ बदल गया। ऐसे ही दू से दुबला, दुखद, दुविधा। तो आप जो बाकी हैं ऐसे ही पढ़ना। उसके बाद फारसी के उपसर्ग मैं पढ़ती हूँ, तीसरा पॉइंट। फारसी मतलब अरबी फारसी के। ये कैसे होते हैं, जैसे बद, बदसूरत, बदनाम, बदशक्ल, बददिमाग। तो सूरत के आगे बद लगाने से, सूरत मतलब सूरत शक्ल, उसके आगे बद लगाने से उसका अर्थ बदल गया, बदसूरत, गंदी शक्ल। ऐसे बदनाम, नाम मतलब जिसका नाम है, अच्छा नाम है, गुड नेम। और बदनाम जो बैड नेम, जिसका मतलब जो नॉट, जिसको अच्छे सेंस में याद नहीं किया जाता, बदनाम। बद शक्ल, बद दिमाग, जिसका दिमाग खराब है। तो दिमाग के आगे बद लगाने से बुरे दिमाग वाला, तो बद इज गिविंग नेगेटिव मीनिंग। उसके बाद बे से, बे उपसर्ग लगाने से क्या बन गया, बेकाम, बे असर, बे रहम, बे इज्जत। तो ये तो हम बड़े कॉमनली यूज करते हैं ना, जैसे बेइज्जत, इज्जत मतलब जिसकी कोई इज्जत है, मान सम्मान है, बे लगाने से जिसकी इज्जत ना हो, तो ऑपोजिट बन गया। ऐसे ऐसे ही अगला है कम, कमजोर, कम दिमाग, कम जात। ऐसी गैर, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। तो ये सब वर्ड्स आपने अपने आप अब पढ़ने हैं और दो दो शब्द याद करने की कोशिश करनी है इनमें से, हर उपसर्ग से रिलेटेड कोई दो शब्द इनमें से चुन लेना आप। और अंतिम वाला है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। ये 25 पेज पर लास्ट पंक्तियां हैं। चिर, जैसे चिरकाल, चिरायु, चिर प्रतीक्षित। चिर प्रतीक्षित मतलब जो देर तक जिसकी जिसकी प्रतीक्षा की गई हो। उसके बाद पुनः, पुनः का जैसे पुनरागमन, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। अध से अधोपतन, अधोगति, अधोमुख। उसके बाद सत से सत्कार, सत्कार्य, सज्जन। अंतर से अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय। तो कोई दो शब्द आपने इनमें से भी याद करने हैं। तो आप अब आपने आज क्या करना है, इस मेरी ऑडियो को फिर से एक बार ध्यान से सुनना और इनको रिवाइज करना और कोशिश करना हर उपसर्ग से रिलेटेड दो दो शब्द याद करने का। और अगला जो इसका पाठ है प्रत्यय, पृष्ठ संख्या 26 पर प्रत्यय है।
वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रत्यय जो होते हैं, जैसे सफिक्स सॉरी उपसर्ग जो थे प्रीफिक्स थे, इनको सफिक्स कहते हैं। ये मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़कर नया अर्थ देते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़कर नया अर्थ देते हैं। तो हम इनके विषय में अगली अपनी जो ई क्लास है हिंदी की, अभी जिस दिन होगी उस दिन हम करेंगे। तो टिल देन आप टेक केयर, बाय बाय।